रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार गोर लगा तनी स्वागत बर वो लोग के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। एक बार फिर से रुवा लोग के उहे खबर लेके आयल बनी जौन बिहार से जुड़ल बा और बिहार के राजनीति में वो एक तरह के अलग दिशा दे रहल बा। खबर बा RJD और बिहार के विधानसभा में सबसे बड़ सदस्य वाली दल के, सबसे बड़ सदस्य वाला दल बुड़ुए और 2015 के विधानसभा चुनाव में ए पार्टी के सिरमौर बनावल गई तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर पूरा पार्टी के दारोमदार दिखल गई और उस संसदीय दल के नेता भी बनल है। सरकार बनल महागठबंधन के और महागठबंधन के सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनल। सब कुछ बढ़िया चलत रहे लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव पर एगो केस हो जाते हुए और केस भइला के बाद नीतीश कुमार जी के सीधा तौर पर ऐलान हो जाता कि वो करप्शन से, क्राइम से और कम्युनलिज्म से समझौता ना करिए और एकरा के लेकर के वो एक अलग स्टैंड ले लेता रहे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। एकरा पीछे का कारण रहे ये बहुत तरह की विवेचना होला, लेकिन यह विवेचना में असल कारण ये रहे कि नीतीश कुमार जी के नज़र आ गई है कि अब कहीं ना कहीं RJD के जो वजन बा वो पिछला 15 साल में दबा के रख ले रहे हैं वो ऊपर आ रहा बुड़ गए। ये बात के लेकर के नीतीश कुमार जी के आभास होके लागल कि आवे वाला समय हो सकेला कि तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा बन जास और नीतीश कुमार खातिर बिहार में अपन स्थान सुरक्षित करे में परेशानी होके। अलग अलग राजनीतिक के जानकार विवेचना जब करे ले तो ये बात कहे ले कि नीतीश कुमार या विवेचना के बाद अलग अलग पार्टी के जो नेता बड़े, वरिष्ठ नेता बड़े नीतीश कुमार के साथ राजनीति के जो बड़े उनमें अलग अलग तरह के नीतीश कुमार के प्रति बात कहल जाला। लेकिन खैर बात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के होता। सरकार गिर गई और नीतीश कुमार जी पुनः जौन पार्टी के 13 में छोड़ के आई रहन वो पार्टी से 2017 में यानी लगभग चार साल के बाद फिर से दोस्ती गांठ ले ले और उनका ये बुझाइल कि आगे भविष्य का राजनीति खातिर ये पार्टी सबसे बढ़िया यानी कि भारतीय जनता पार्टी और NDA ही सबसे बड़ा जगह बा जहां वो अपन स्थान बिहार में सुरक्षित कर सकेले और उनका फायदा एकर केंद्र में भी यानी कि लोकसभा में मिल सकेला। उनका फैसला बिल्कुल सही साबित भइल और 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से छा गई ले। जहाँ 2 सीट उनका लगे रहे वहाँ 17-17-6 के फॉर्मूला में वो 16 सीट जीत के ले। 40 सीट में से 39 सीट NDA जीता और ये एक तरह से RJD खाती AJ से जौन रहे हराश नियम लागू होके शुरू भइल। RJD AJ से अब हाशिया पर जाए के शुरू हो गई। तेजस्वी यादव के जौन लगातार 2 साल के लगभग जब से नीतीश कुमार जी RJD से संबंध तोड़ के यानी महागठबंधन से शुरू के NDA में गए रहे तब से लगातार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर के जियल मुहाल के लिए रहन। यह चलते कि वो हर बात के जवाब देते रहन और नीतीश कुमार जी के जवाब या सदन में होके या सड़क पर होके खूब जम के देते रहन, नाको चना चबवा दिल रहन। उनकर 4-4 गो 10-10 गो 11-11 गो 12-12 गो प्रवक्ता लगातार तेजस्वी यादव के घेरे में लागल रहन लेकिन घेरात ना रहन। वैसन बुझाई कि नीतीश कुमार जी के विरोध के राजनीति में एगो नया चेहरा लालू प्रसाद के परिवार से उठ करके आए जो राजद के पूरा संभाल ली और राजदे के ना संभाल ली, विपक्ष के राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन के उभरी। लेकिन 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के जोड़ी ऊ कमाल का दलस कि एक बैग एक खिलाड़ी के जो राजनीति में क्रिकेट से आए रहे हैं उनका पर सदमा आयल। ऐसा सदमा लागल कि वो अपन चेहरा लेके 3 महीना से गायब बन। बीच बीच में यदा कदा नजर आई ले, लेकिन वो नजर अला से बिहार के राजनीति वो जनता गरीब गुरबा जौना के बात लालू प्रसाद करे ले वो आज भी खोज रहल बा उस चेहरा के कि कौन ऐसा चेहरा हुई जौन आगे RJD के और गरीब गुरबा के जौन आवाज बन रहन लालू प्रसाद उनका आवाज के आगे लेके बढ़े। तेजस्वी यादव अभी भी गायब बन। लगातार पार्टी के अलग अलग बैठक होता है, स्थापना दिवस होके, कार्यकारिणी के बैठक होके या जे कुछ भी सदस्यता अभियान के भी कार्यक्रम होके कोई कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नजर नहीं खनाओ। बिहार में बहुत सारा घटना घट रहा बा और
विपक्ष के नेता के रूप में उनकर जो भूमिका होके चाहिए, जो जिम्मेवारी होके चाहिए, वो जिम्मेवारी से पूरी तरह से ओझल बढ़न। ये बिहार के राजनीति खातिर सबसे कठिन और मुश्किल दौर गुजर रहा बा। तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में महागठबंधन के साथ साथ उनकर पार्टी भी बिखरे के कगार पर बा, लेकिन अभी भी कोई संभाले वाला नहीं है। सूत्र बता रहा बड़ा है कि तेजस्वी यादव के कहना बा कि वो आरजेडी में अब अगर वापस आवता रहे तो उनका पूरा के पूरा अधिकार चाहिए और उनका फैसला के पीछे कोई ना होके चाहिए। जो फैसला कर दिए हैं, जेकरा के निकाल दिए पार्टी से वो निकल जाए, और जेकरा के रखी हैं वो अपना हिसाब से पार्टी के चलाई हैं। हालांकि राजनीतिक दल में वैचारिक आज़ादी सब कोई के होला, शायद यह निखन चाहत तेजस्वी यादव कि उनका पार्टी में रहे। डिक्टेटरशिप वाली मानसिकता कभी भी राजनीति में आगे ना बढ़ेला। लगातार बिहार के राजनीति में अलग अलग तरह से विवेचना हो रहा बा, और विवेचना में खोजबीन तलाश करे वाला कोई भी आदमी ये बात कहे के तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव बालन कहाँ का उनकर मानसिकता बा, का वो सोचता रहे। पार्टी से लेकर के जे राजनीति के जानकार बिहार के बड़ुए कोई भी बतावे खातिर तैयार नहीं है। हर कोई एक ही बात कह रहा बा, वापस आई हैं। अब तो स्थिति ये बा कि लोग झुंझलाए लगल बड़े। खैर, जो ये पूरे कहानी के जो नट सेल में रिजल्ट परिणाम जो निकल के आई, वो परिणाम निकल के ये आई कि आरजेडी अब पूरी तरह से सिर्फ इंतजार में बा, और वो इंतजार बुड़े कि आरजेडी के उठा करके जगह पर ले आके खड़ा करी। लालू प्रसाद के अभी बाहर निकले के संभावना नगण्य के बराबर बा, ऐसे कि बेल उनकर बार बार अर्जी खारिज हो जाता। राबड़ी देवी के स्थिति नहीं है कि वो पार्टी के पूरी तरह से संभाल सकस। तेज प्रताप यादव पार्टी संभाले के स्थिति में नहीं खन, चूँकि वो अपने अपना स्थिति से लड़ रहा बान। मीसा भारती के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी कभी दे ना सकेले। अब बचले तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव एक खातिर तैयार नहीं खन, और तैयार बाड़े भी तो जन पार्टी बता रहा बा, अलग अलग लोग बता रहा बा, वो शर्त ही बा कि वो शर्त में कहीं ना कहीं एक छत्र राज चाहता रहे। ऐसा संभव बा कि नहीं के संभव, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग लगातार बात कर रहा बा, चर्चा कर रहा बा, लेकिन तेजस्वी यादव के सदस्यता अभियान में अंतिम दिन ना आना पार्टी खातिर बहुत बड़ा सदमा बढ़ुए, और खास करके वो 61 गो से लेकर के 79 गो विधायक जोन बाड़े, उनमें तेजस्वी यादव भी शामिल बाड़े, तेज प्रताप भी शामिल बाड़े। एक संभावना बना रहे, एक सकारात्मक पहलू पर लोग पहुँचे रहे राबड़ी आवास, लेकिन फिर निराशा मिलल, और ये निराशा पार्टी में बहुत बड़ा विस्फोट या फिर टूट के कारण भी बन सकेला। जुड़ रही सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, खबर के सिलसिला लगातार जारी बा। हर विवेचना, हर खबर कुछ ना कुछ बिहार के राजनीति के एक नया दिशा देला। कैसा लागल रहुआ लोग के ये विवेचना, कैसा लागल ये खबर, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपन विचार रखब। सब फिर मिलत नहीं गोड़ लगत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।